हिंदी मीडियम एडमिट ऑल बस ठीक है। हाँ हो गया। हाँ भाई देखना पानी पी लूँ क्या करिए। कौन सा दीपक कुमार आ गया ऊपर अनम्यूट हो गए लगते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो प्रेमिडी है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंद कोण होता है 107। यहां तक आपका एक संकरण कंप्लीट होता है ठीक है। इसे कहते हैं प्रेमिडिया स्ट्रक्चर। बाकी सुंदर सुंदर डायग्राम आप मेरे नोट्स में देख लेना बाद में पर बनेगी ऐसे ही ठीक है। ये तो तब जब एक लोन पेयर हो। एक एक एग्जांपल की बात करूंगी फिर आपको मैं सारी की स्ट्रक्चर्स जरूर बतानी है मुझे। फटाफट कॉपी पेन आप लोगों के हाथ में होने चाहिए। अगला जो एग्जांपल है वो है H2O। तो बताते चलना अभी मुझे ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बाद आता है 6 तो कितने हो जाएंगे 6। 6 को सेट कीजिए ठीक है। देखो दो हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड और तो कुछ बचा ही नहीं ना ठीक है। और यहां से क्या मिले दो लोन पेयर। क्या मिले दो लोन पेयर तो यानी कि यहां से आपका संकरण क्या आया दो सिग्मा बंद हाइब्रिड ऑर्बिटल दो सिग्मा बंद प्लस टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल और फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से संकरण sp3 क्या होता है sp3। चलो इसकी ग्राउंड स्टेट बनाइए। ग्राउंड स्टेट में क्या आएगा sp ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं भरो 1 2 3 4 सॉरी 2 और 3 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। चलो देखना मेरे पास क्या बची है। मेरे को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट बनानी है बच्चों और एक्साइटेड स्टेट बनानी है इसका मतलब क्या होगा मेरे को दो तो सिग्मा बंद चाहिए और दो लोन पेयर चाहिए। देखो बिल्कुल सेम बनेगी क्या यानी कि यहां से संकरण क्या आया sp3 लेकिन अंतर किसमें है दो लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से BSEPR थ्योरी का या नियम लगेगा कि जैसे जैसे बंदी युग्म के साथ साथ यदि आबंदी युग्म भी हो आबंदी का मतलब लोन पेयर जो बंद ना बनाते हो आबंदी युग्म भी हो तो तब संरचना में विकृति आती है और बंद कोण का मान घट जाता है। अमोनिया में आपने देखा NH3 में एक लोन पेयर था और यहां कितने हो गए दो। संरचना में विकृति आएगी बंद कोण का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर देखिए वी शेप स्ट्रक्चर होती है वी शेप ये याद रखनी है ये ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना गलती मत करना इनमें वी शेप कुछ वी जैसी बनेगी। देखो कैसे वी शेप ठीक है। बंद कोण यहां पे 104 डिग्री 5 मिनट 104 डिग्री 5 मिनट ठीक है। कोई दिक्कत अब तो बड़ी सिंपल है चल रही है क्लास। हाँ अगला देखो अगला एग्जांपल है आपका H3O+। हाँ ये करो इसकी स्ट्रक्चर मुझे निकाल के आप दिखाएंगे हाइड्रोनियम आयन और जरा मुझे ये बताओ कि क्या इसकी स्ट्रक्चर कुछ पड़ी पड़ी लग रही है
संकरण बताओ सबसे पहले क्या होगा, सही है बताओ ऑनलाइन, sp3। और कोई कौन कौन स्टूडेंट है जवाब दे रहे हैं, जो यशकांत पवन, हाँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं आ रहा निकालना, हाँ ऑक्सीजन, ठीक है ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस लग रहा है और प्लस लगने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यानी कि कितने रह जाएंगे 5। ठीक है 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं और एक क्या बनाना है लोन पेयर, याद करो NH3, ये इसलिए करवाई है मैंने, हाइड्रोनियम आयन, मेरा कहने का मतलब देखो यौगिक बदला है, समझ में आ गया, लेकिन एक ही लोन पेयर और 3 सिग्मा बंध हैं, NH3 जैसी शेप बनेगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है बनेगी, अगर ऐसे 2 लोन पेयर हो और 2 सिग्मा बंध हो चाहे कोई सा भी यौगिक हो वी शेप बनेगी। अब देखो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता हो तो देखना H3O में क्या हो गया, 3 सिग्मा बंध प्लस 1 लोन पेयर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वही। बाकी मैं ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की बना नहीं रही हूं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये पूरे को ऐसे बंद संकुल में मत बंद करना, बस ओनली प्लस लगा देना क्योंकि जरूरी है, हमने प्रेजेंट किसको किया है हाइड्रोनियम आयन को, स्ट्रक्चर होगी पिरामिडीय, क्या होगी पिरामिडिकल, इंग्लिश में भी यही कहते हैं इसको पिरामिडिकल, ठीक है। एक चीज बताती हूँ आपको, आज के न्यूज़पेपर में मैं पढ़ के आई थी सुबह सुबह, अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, एक्चुअली में न्यूज़पेपर में ये साफ साफ लिखा आया है, मतलब बिल्कुल फ्रंट पे आप देख रहे हो, कोरोना बहुत प्रकोप से अपने बहुत प्रकोप से बड़े स्तर पर है, एक ही दिन में 16 मौत हुई है। देखो एक्चुअली में ऊपर ऊपर लिखा आया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, ये मास्क पहनना आपको अनिवार्य कौन करता है, हम थोड़ी करते हैं या आपको, हमें प्रशासन करता है अनिवार्य, आपकी जान बचाने के लिए हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मास्क पहनकर आइए और खूब खरीदारी करो, बाजार जाओ चाहे दुनिया में कहीं भी जाओ, क्योंकि मास्क पहनने से आपकी जिंदगी के साथ साथ आपके घर वालों की जिंदगी, क्योंकि आप हैं युवा और आप युवा हैं, मैं भी युवा हूं, लेकिन जब आप अपने घर पर पहुंचते हैं तो आपके घर में आपके माता पिता हैं जिनकी एज आपसे ज्यादा है और उम्र ज्यादा है तो वो अब युवा नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक है, उनकी इम्यूनिटी पावर वीक है और कोरोना के लिए इम्यूनिटी पावर हाई होनी चाहिए, एज के अकॉर्डिंग इम्यूनिटी पावर वीक होती चली जाती है, तो आपसे ज्यादा खतरा आपके परिवार वालों के लिए, इसलिए बार बार बोलते हैं कि परिवार वालों की जान बचाइए, है ना। आपने मास्क पहना हुआ है तो उसी व्यक्ति से बात करो जिसके खुद के चेहरे पर मास्क हो, वरना ऐसे किसी भी व्यक्ति से आप कॉन्टेक्ट ही मत रखो। देखो ये छुआछूत की बीमारी तो है नहीं, ये ध्यान रखना, हाथ लगाने से या टच करने से फैलती नहीं है, ये फैलती है परस्पर वार्तालाप से, परस्पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना करने की वजह से। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर 2 व्यक्ति, यानी देखो सोचो अगर मैंने मास्क पहना हुआ है, आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो क्या होगा कि मैं बातचीत करूंगी, मेरे से 1,00,000 वायरस जाएंगे, 1,00,000 वायरस आप तक पहुंचेंगे, तो आपके मास्क से 50,000 मास्क अगर वायरस रुक गए तो फिर भी 50,000 वायरस एंट्री कर जाएंगे, और एंट्री करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 50,000 में से कम 1 वायरस तो ऐसा जरूर होगा जो कोरोना का होगा, तो आप समझो हो गए आप ग्रसित। अगर मैंने भी मास्क पहना हुआ है और आपने भी मास्क पहना हुआ है तो मेरे से अगर मैं बोली बातचीत की तो वायरस मुझसे ही पहले 50,000 कम निकलेंगे और ऊपर से आप तक पहुंचे तो और भी खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि दोनों तरफ से मास्क लगाना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग भी इसीलिए कि जब भी आप बातचीत करें तो आपकी बात है एक तो मास्क से जाएं और दूरी की वजह से वहीं खत्म हो जाते हैं, वायरस की गति इतनी तेज होती नहीं है कि आपकी दूरी में, इसलिए तो कहते हैं 2 गज दूरी कहते हैं ना वो अभी एक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये तो अब देश और काल की परिस्थितियों को देख के हम ये करते हैं। आज की ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आप लोग अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का भी, तो ये चीज ध्यान रखो, आपसे बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, तो मास्क लगा के जरूर रखें।
कहीं भी जाएं मास्क लगा के रहें। कुछ दिन की बात है, वैक्सीन आने वाली है, मार्च में 40 करोड़ डोज देने का वादा किया है ऑक्सफोर्ड कंपनी ने, तो ये देखना। अब देखो आगे जब हम बात करेंगे, अगला जो मैं दे रही हूं वो है आपका SF4। निकालो हाइब्रिडाइजेशन फटाफट बताओ, और इसकी मैं केवल स्ट्रक्चर आपको बता देती हूं। SP3D, ठीक है, SP3D, याद करो SP3D की स्ट्रक्चर क्या हुआ करती थी, जब एक भी लोन पेयर नहीं हुआ करता था। देखो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल SP3D, निकाल के दिखाना है क्या? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि मैडम निकाल के दिखाओ? वैसे मेरे को रखता नहीं है, किसी को जरूरत है। इसकी भी स्ट्रक्चर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, और देखो किस प्रकार, आपने PCl5 की स्ट्रक्चर देखी थी, ये देखो यहां पे, देखो यहां पे रिप्रेजेंट है सल्फर, ध्यान से समझना, यहां पे कौन है फ्लोरीन, इस जगह भी फ्लोरीन, और इधर देखना एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, और यहां पे रिप्रेजेंट होता है लोन पेयर। इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से बंद कोण में आ जाती है कमी, और यहां पे बंद कोण मेरे पास नहीं लिखा हुआ क्या, आई थिंक त्रिकोणीय द्विपिरामिड में क्या होता था बाइपिरामिडिकल, इनके बीच में तो बंद कोण 90 डिग्री का था, यहां पे तो बंद कोण छोड़ो, इसमें 3-4 बंद कोण बनेंगे बस, इसकी वजह से ध्यान रखना, इसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और यहां बंद कोण की वैल्यू क्या हो जाती है कम। निकाल लोगे? खत्म होने वाला है, बस एक दो एग्जांपल्स और हैं, सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक टेबल बनवा के मैं लिखवा दूंगी कि किस किस की क्या क्या कैसे कैसे संकरण होगा, स्ट्रक्चर क्या क्या होगी, ठीक है। SF4 के बाद अगले एग्जांपल की बात करेंगे, जिसका नाम है, ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बार पेपर में पूछा गया है, ये जो बोर्ड पे मेरे हाथ से एग्जांपल्स हो रहे हैं और आप अपने हाथों से कर रहे हो, यही आएंगे पेपर में, ध्यान रखना, इससे बाहर आज तक नहीं पूछा, और आ भी गया तो आप आराम से कर पाएंगे, ऐसे सिंपल सा एग्जांपल आएगा। हाँ भाई निकालो SP3, चलो देखते हैं। SP3D, वेरी गुड। देखो भाई क्लोरीन, ये देख लो क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है, ऑक्सीजन के बाद आता है, इसमें 6 है तो इसमें 7 होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप कैसे दिखाएंगे, समझ गए? यहां पे क्या है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन, दो लोन पेयर, 3 सिग्मा बंद प्लस 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने एक भी एक्साइटेड स्टेट बना के ही नहीं दिखाई थी, एक बार देख लो कितने हो गए, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। फटाफट देखो इनकी ग्राउंड स्टेट, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में देखो डी भी भाग ले रहा है, ध्यान रखना तो डी भी बनेगा, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, समझ गए? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पहले अयुग्मित फिर युग्मन, ठीक है। इसके बाद देखो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 3 सिग्मा बंद प्लस 2 लोन पेयर, देखो मुझे यहां पे कितने लोन पेयर मिल रहे हैं, मुझे चाहिए कितने, एक को एक्साइट कराना ही पड़ेगा तभी तो मेरे को 3 सिग्मा बंद मिलेंगे, यानी कि क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट कैसे बनेगी, यहां पे एक लोन पेयर, यहां 2 लोन पेयर, ये सिग्मा ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, SP3D, ठीक है, बना लिया होगा, पूरा पेपर में करके आना,
कहीं उंगलियों पे चल रहा है बस, बातों ही बातों में। पेपर वाला थोड़ी समझता है आप क्या सोच रहे हो। पेपर वाले को जो आप दिखाते हो वही दिखता है, गलत दिखा रहे हो तो गलत है, सही दिखा रहे हो तो सही है, ऑब्वियस सी बात है। आप अगर को आप कॉपी में गलत लिख रहे हो तो वो गलत ही समझेगा, आप कॉपी में सही लिख रहे हो तो सही है आपका, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देख लो, इसका बंद कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर होती है टी शेप। संकरण SP3 और स्ट्रक्चर क्या, टी शेप। टी शेप स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखो, टी शेप स्ट्रक्चर देखो, CLF3 ना, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, गलत हो गई। ऐसे बनेगी, यहां पे फिर गलत हो गई क्या, सही है। देखो यहां पे एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, यहां एक फ्लोरीन, यहां दूसरा फ्लोरीन और यहां तीसरा फ्लोरीन। ये देखो ये बनी टी शेप, दिख गई। तो ये होती है टी शेप। इसका बंद कोण भी लिखा हुआ है कि नहीं, 103 डिग्री था कि 107, 107 भी नहीं है। CLF3 का बंद कोण गलत नहीं बता सकती कुछ, 103 होता है आई थिंक, 103 की 97 डिग्री कम तो है, लेकिन मुझे ये कंफर्म याद नहीं है, क्या तो 103 है, कम तो है। बंद कोण इसका इंपॉर्टेंट और है, ये और ध्यान रखना, इसकी शेप भी इंपॉर्टेंट है, कल मुझे याद दिलाना, मैं इसको एक कंफर्म देख के बता दूंगी एक बार ये इसका क्या होता है। इस नोट्स में मेरे हाथों से लिखा क्यों नहीं हुआ। एक एग्जांपल टाइम हो गया, देखो एक एग्जांपल और, ICl2- इसे करना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक एग्जांपल और है XeF6, कर लो इन्हें, XeF6 और XeF4, ये दोनों ही एग्जांपल कर लेना, दोनों ही लोन पेयर से रिलेटेड हैं, दोनों की ही VSEPR नियम फॉलो करेगा। ये तीनों एग्जांपल करके आइएगा और बताइएगा। देखो इसकी स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली रैखिक, कल बात करूंगी, रैखिक होती है लीनियर। इस वाले की स्ट्रक्चर होती है विकृत अष्टफलकीय, इसकी विकृत अष्टफलकीय और इसकी विकृत चतुष्फलकीय है। टी बन गया क्या, 6, ठीक है, इस तरीके से। और कल एक बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी ओर चलते हुए एक लास्ट टॉपिक और बचेगा जो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। कोई डाउट है क्या, ये देखो निकल गया।